नमस्कार दोस्तों, दिव्य नुस्खे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानकार परिवार में कैसी भी खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस और दाद खाज, और चाहे वो गीली खाज हो या सूखी खाज हो, एक्जिमा, पिंपल्स, अगर इनसे कोई भी परेशान है और महंगे से महंगा इलाज कराकर थक चुका है, तो प्लीज़ विश्वास करें, एक बार इस वीडियो को देखें, आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए। तो जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो इस बारे में मैं एक नुस्खा बताऊंगा आपको, वो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है और ईमानदारी से प्रयोग करना है। मात्र एक से तो मैक्सिमम 3 महीने, और अगर नया है तो 1 महीने में आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा और वो फिर कभी वापस भी नहीं आएगा। तो जितने भी बहन भाई और दोस्त हैं इस समस्या से पीड़ित हैं, सोरायसिस, जिद्दी से जिद्दी सोरायसिस, एक्जिमा, यानी कि स्किन का कैसा भी रोग अगर है आपके पास, आपके शरीर में, तो निश्चित ये ख़त्म कर देगा। मैं आपको वीडियो में जड़ी बूटी दिखाऊंगा भी और उन्हें यूज़ भी करने के तरीके बताऊँगा। तो कृपया ईमानदारी से इस जो वीडियो को देखें, और आपसे एक विनती है कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि वीडियो की जो है आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि ये हमारे स्किन डिजीज होते क्यों। दोस्तों, हमारे शरीर का एक पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो 7.4 होता है। वो हो तो 1 से लेकर 14 तक सकता है, लेकिन जो मेडिकली है, जो हमारे शरीर के फिटनेस के लिए बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, वो 7.4 है। 7.4 से जितना भी ऊपर जाएगा वो क्षारीय हमारा शरीर की प्रकृति होती चली जाएगी, और जितना डिग्री यानी कि नीचे जाएगा उतना ही अम्लीय हमारे शरीर का जो है प्रकृति होगी। अब अम्लीय और क्षारीय में क्या अंतर है? कोई भी कीटाणु, कोई भी जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, बैक्टीरिया, तो वो अम्लीय प्रकृति वाले लोगों में 100% जीवित हो जाता है, यानी कि वो मरता नहीं है, और दवाइयों से भी वो मतलब जा नहीं पाता है, बीमारी दब जाएगी लेकिन फिर वापस आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि हम अपनी पीएच वैल्यू को सुधारें, और ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीएच मान को बिल्कुल ठीक कर देगा आपके शरीर के। आपका फैटी लीवर हो, आपके आंतों की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत है, शरीर को बिल्कुल कंचन काया बना देगा आपके। ये मुझ पर विश्वास रखें और प्रयोग करें, और फिर उसके बाद कमेंट करें। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको जड़ी बूटी दिखाता हूँ और उसके प्रयोग भी। दोस्तों, ये है पहली जड़ी बूटी। ये जो जड़ी बूटी है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं जो हाथ में चुभ जाते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये है इसका कांटा। तो इसमें कांटे होते हैं बारीक बारीक, और जो है ये मिलने में आसान है। राजस्थान में पाए जाने वाली ये औषधि है, और हाथ इसका मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें कांटे लगने का खतरा होता है। तो आप किसी भी पंसारी की दुकान पे अगर जाएंगे तो इस जड़ी बूटी को आराम से मिल जाएगी आपको। देखो, ये चुभ गया हाथ में, इसमें कांटा होता है। इसे जो है लाके आधा किलो ले आएँ आप, 1 महीने चल जाएगी आराम से, 1 महीने से ज़्यादा चल जाएगी, और मात्र आधा किलो, ये 50 से 100 रुपये के बीच में आपके अलग अलग शहर के हिसाब से मिल जाएगी। इसका पाउडर बना लेना है, मिक्सी में कूट के, पहले कूट लें और फिर इसे मिक्सी में डाल के जो है पाउडर बना लें बारीक, और इसे कपड़छन कर लें, किसी बारीक चुन्नी का कपड़ा लेके उसमें कपड़छन कर लें, तो ये बिल्कुल पाउडर के रूप में हो जाएगा। मैं इसका नाम बता दूँ, ये है धमासा। धमासा एक ऐसी औषधि है जो शरीर के किसी भी स्किन के रोग को, अंदर की गर्मी हो, लीवर फैटी हो,
शरीर का पीएच वैल्यू खराब हुआ पड़ा हो, कैसा भी कुछ भी शरीर में रोग हो, स्किन संबंधी और आंतों संबंधी, लीवर संबंधी, तो ये सभी अंगों पर काम करता है। क्योंकि जब हमारा पीएच वैल्यू सुधर जाएगा शरीर का, तो ये जो है बिल्कुल सभी अंगों को प्रभावित करेगा, अच्छा कर देगा। तो इसका पाउडर लेना है, बना के रख लेना है। और मैं अभी आपको 5 जड़ी बूटी और बता रहा हूँ, उन 5 जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के पीना है, मैं उन्हें भी दिखाता हूँ अभी। दोस्तों अब मैं बताता हूँ उन 5 जड़ी बूटियों के बारे में जो आपको काढ़े के रूप में लेनी है। आप पंसारी के जाएंगे तो आपको भूमि आंवला, पुनर्वा, पुनर्नवा भी कहते हैं इसे, कासनी, अमलतास और मकोए, ये 5 चीज़ लेनी है। कौन कौन सी? भूमि आंवला, अमलतास, पुनर्नवा, मकोए और कासनी, ये 5 चीज़ें आपको बराबर मात्रा में लेनी है। 50-50 ग्राम ले लो या 100-100 ग्राम ले लो, समान मात्रा में ले लें। और उन्हें थोड़ा सा कूट के या मिक्सी करके मोटा मोटा सा ऐसा बना लें जैसे मैंने ये बनाया हुआ। सबको मिला के मैंने ये इसका मोटा मोटा एक बना दिया है, मोटी तरीके से पीस लिया है, ताकि एक चम्मच लेके इसे एक गिलास पानी में डाल के इसका काढ़ा बनाया जा सके। तो आपको ये काढ़ा बना लेना है। और ये काढ़ा कैसे बनेगा? सब चीज़ जब मिली रहेंगी, इन्हें अच्छे से चला के रख लें और एक चम्मच इसमें से लें, एक गिलास पानी में करें और उसे पका लें, आधा रह जाए तो उसे खाली पेट पीना है। और अगर खाने के बाद पीना है तो 1 घंटे का कम से कम अंतर होना चाहिए। तो खाली पेट लें तो ज़्यादा बढ़िया है, सुबह को खाली पेट लें और शाम को खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले ले लें और फिर कुछ खाएं पिए ना, ये आपको लेना है। हालांकि अकेले धमासे में बहुत दम है, लेकिन अगर इन 5 चीज़ों को हम लेते हैं तो कितना भी जिद्दी सोरायसिस, एक्जिमा क्यों ना हो, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक बीमारी मानी जाती हैं, इन्हें जड़ से खो देता है, बिल्कुल राख उड़ा देता है उनकी। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी, और आपको जो है विश्वास के साथ ये शुरू करना है। और मैं आपको गारंटी भी देता हूँ और ये मैं दावा कर रहा हूँ कि 2 से 3 महीने बाद आप एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और जो परेशानियाँ हैं आपकी वो सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही प्यारी सी जानकारी। मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।